अब क्या देखिए, वो बांसुरी स्वराज के बारे में टिप्पणियां की, बांसुरी स्वराज कोई बोस्टन एयरपोर्ट पे कोकीन के साथ थोड़ी गिरफ्तार की गई थी। अब कोकीन के साथ गिरफ्तारियां ही जिनकी उपलब्धि हो, अब उनको तो जो है निश्चित तौर पर बांसुरी स्वराज में कमियां दिखाई देंगी। घटिया विचार इस तरीके से प्रस्तुत किए गए जैसे गुजरात में लगातार कोकीन और ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो जो भी कोकीन किंग होगा वो तो गुजरात का होगा, और गुजरात का किंग कौन है ये प्रेम शुक्ला जी जानते हैं। अब कोकीन पकड़े जाने का नाम लेने पे आपको क्यों पीड़ा हो रही है? आपका नेता भी कोकीन पी रहा है क्या? मेरी बात आपके भी कोकीन छान रहा है क्या? देखिए देखिए क्या हमारा मुद्दा है, आपने घटिया कहा, आपने जो शुरुआत की घटिया आदमी घटिया बनने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। घटियापन जो है आपके चेहरे पर चस्पा है, देखिए घटिया निकृष्ट आदमी जो है मेरी श्रेणी देख रहा है, मैं जानता हूं गटर छाप आदमी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और सपा प्रवक्ता घनश्याम तिवारी के बीच में। डिबेट के अंदर कांग्रेस प्रवक्ता ने जब बांसुरी स्वराज को जो एमपी का टिकट मिला है उस पर जब उन पर पर्सनल अटैक किया, तो इधर से प्रेम शुक्ला ने भी राहुल गांधी के 2001 के केस पर जो कि अमरीका में रजिस्टर हुआ था, जिसमें कि वो कोकीन ले जाते हुए पकड़े गए थे, कुछ ऐसे रूमर्स कह लो या न्यूज़ कह लो या सस्ता का जिक्र कर दिया। तो इधर सपा प्रवक्ता को ज़्यादा दिक्कत हो गई, और हमारे प्रेम शुक्ला किसी से कम नहीं है, इन्होंने इनको बढ़िया जवाब दिया और डिबेट के अंदर इनकी क्लास लगा दी। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। भाई ये बताइए, सुषमा स्वराज जी की बेटी, ये उन्होंने क्या काम किया है केवल इतना कि ललित मोदी को भगाने के लिए और ललित मोदी की मदद करने वाले लोगों के साथ मिले हुए लोगों में उनका भी नाम आता है, क्योंकि उनके केस को लड़ने वाली लीगल टीम का वो हिस्सा है। उसके बारे में बता दीजिए, वो कहां से आई? अब क्या देखिए, वो बांसुरी स्वराज के बारे में टिप्पणियां की, बांसुरी स्वराज कोई बोस्टन एयरपोर्ट पे कोकीन के साथ थोड़ी गिरफ्तार की गई थी। अब कोकीन के साथ गिरफ्तारियां ही जिनकी उपलब्धि हो, अब उनको तो जो है निश्चित तौर पर बांसुरी स्वराज में कमियां दिखाई देंगी। तो भाई कोकीन किंग जो हैं, उन कोकीन किंग की पार्टी को है बहुत ज़्यादा जो है अभिनंदन है कि इसी तरह से आप छिद्र अन्वेषण करते रहिए। बांसुरी स्वराज हमारी एक उत्तम प्रत्याशी हैं और जनता का उनको समर्थन मिलेगा। उनके मम्मी पापा ने टिकट नहीं दिया है, उनको पार्टी ने टिकट दिया है जी। नहीं तो मम्मी जो हैं वो 25 बार हारने के बाद भी दुलरवा को जो है हार के बाद बारंबार होने के बावजूद भी पार्टी में रार के बाद भी वो एक ही पर इकरार करती हैं, क्योंकि वो बेटवा है, बेटवा बिटिया माई है कांग्रेस आई। मुझे खेद है कि घटिया विचार इस तरीके से प्रस्तुत किए गए जैसे गुजरात में लगातार कोकीन और ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो जो भी कोकीन किंग होगा वो तो गुजरात का होगा, और गुजरात का किंग कौन है ये प्रेम शुक्ला जी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, अमित शाह जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या अमित शाह जी के राजकुमार जय शाह जी की तरफ इशारा कर रहे हैं? दर्शक जानना चाहते हैं कि प्रेम शुक्ला जी जय शाह को कोकीन किंग कह रहे हैं। अब कोकीन पकड़े जाने वाले का नाम लेने पे आपको क्यों पीड़ा हो रही है? देखिए आपका नेता भी कोकीन पी रहा है क्या? मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कोकीन छान रहा है क्या? देखिए हमारा मुद्दा है, आपने घटिया कहा, आपने जो शुरुआत की, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए घटियापन जो है श्याम जी, देखिए मेरा आपसे सवाल है, देखिए प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम जी मेरा आपसे सवाल है, इंडिया का जो शक्ति, मैं प्रेम शुक्ला जी को घटिया नहीं कह रहा था, हालांकि मैं जानता हूँ ये घटिया है। नहीं नहीं प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम तिवारी जी, मैं आप लोग को 2 मिनट के, नहीं उन्होंने घटिया कहा ना, मैं ये घटिया आदमी जो है घटिया पने पे उतारा है ना। आपके दर्शक देखिए, आपके दर्शक हो सकता है प्रेम शुक्ला का नशा नहीं उतरा हो सकता है कि प्रेम शुक्ला का नशा नहीं उतरा हो, घटिया आदमी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक एक कर घनश्याम तिवारी जी, देखिए मेरा आपसे सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो आज शक्ति प्रदर्शन किया है बिहार में, आपकी पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में टिकट अनाउंस कर दिए, लेकिन कांग्रेस अभी भी तैयारी पूरी तरह से करती दिख नहीं रही, क्या इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? तैयारी की बात करते हैं, चलिए जी। ये पवन सिंह को टिकट दिया, मनोज तिवारी को टिकट दिया, रवि किशन को टिकट दिया, निरहुआ को टिकट दिया, इन लोगों के गाने सुनिए, गीत सुनिए, महिलाओं के प्रति क्या विचार हैं, बंगाली माल, ये प्रेम शुक्ला जी के श्रेणी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और प्रेम शुक्ला जी भी उसी श्रेणी में खड़े हैं।
इन लोगों के गीत सुनिए और सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी देश की बेटियों के बारे में क्या सोचती है। पर्सनल हो रहे हैं आप, तैयारी ये घटिया निकृष्ट आदमी जो है होने से पहले मेरी श्रेणी देख रहा है। मैं जानता हूं गटर छाप आदमी ही है। पहले चुनाव गटर छाप लोग जो है गटर छाप भाषा के अलावा क्या, मैं सांसदों से इनको कंपेयर कर रहा हूं। छाप लोग जो है गटर छाप पार्टी के सांसदों से कंपेयर कर रहा हूं। लोगों से मैं तो गटर छाप पार्टी के जो घनश्याम तिवारी है जिनको जो है गटर में ही जिनका जो है शुक्ला जी के लोगों से निवेदन है मैं घनश्याम तिवारी जी प्रेम शुक्ला जी देखिए मुद्दों पर बहस करेंगे सार्थक चर्चा होगी। अपने मुंह को गटर बना के जिस नहीं प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी प्लीज पवन व्यक्तिगत टिप्पणी गटर छाप आदमी घनश्याम तिवारी जी आपसे भी प्रेम शुक्ला जी आपसे भी दोनों लोगों से निवेदन है नहीं ये दुर्गंध फैला रहा है। नहीं मैं दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूं घनश्याम तिवारी जी मुद्दे पर इसके चलिए मैं राजीव रंजन जी के पास चलता हूं। चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। घनश्याम तिवारी जी मुद्दे पर देखिए पर्सनल मैं सभी पैनलिस्ट से कहता हूं पर्सनल ना हो मुद्दे पर रहेंगे तो सही से चर्चा होगी। क्या पवन इनके क्या पवन सिंह की बात करना पर्सनल है, क्या रवि किशन की बात करना पर्सनल है, क्या निरहुआ की बात करना पर्सनल है, क्या मनोज तिवारी की बात करना पर्सनल है? जिस तरह के अश्लील गाने बनाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी घटिया तो पर्सनल है। घनश्याम तिवारी जी देखिए जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद मनोज तिवारी आपकी पार्टी से भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी मैं शायद प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड घनश्याम तिवारी जी जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मनोज तिवारी जी आपकी पार्टी से भी गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हैं एक बार। शायद वायद पे मत जाइए। हाँ। इस देश में देखा है प्रधानमंत्री बंगाल जाके दीदी को दीदी कहते हैं। पवन सिंह जैसे व्यक्ति को ये लोग टिकट देते हैं पवन दीदी सिंह गाली हो गई टिकट देते हैं भारतीय आपके साथ बलात्कार नहीं हुआ ये जो है ताली हो गई यहाँ पर ये लोग हैं भाई। चले 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 राजीव रंजन और चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी को बोलिए थोड़ा नशा उतार के आया करें। राजीव रंजन जी जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं। राजीव रंजन जी मैं तो नशे में नहीं हूँ लेकिन आपकी शक्ल पर नशा जस्पा है। प्रेम जी नशा करके नहीं आना चाहिए बहस में। नशा करके बहस में नहीं आना चाहिए लोग बीच में टोकने लगते हैं। उत्तर चलिए चलिए नशा करके बहस में नहीं आना चाहिए प्रेम शुक्ला जी। नशा करके बहस में मत नहीं आपके पास नशा करके बहस मत कीजिए। नहीं घनश्याम जी देखिए घनश्याम जी देखिए व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं मैं आपको रोकूंगा। नहीं इस तरह से नहीं घनश्याम जी मैं उनको नहीं घनश्याम जी देखिए डिबेट की घर में आए आप सभी से निवेदन है। नहीं घनश्याम जी घनश्याम जी नहीं प्रेम घनश्याम जी देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए मैं इजाजत सुजाता पाल जी को डिबेट में जाता हूँ। सुजाता पाल जी प्रेम शुक्ला जी घनश्याम तिवारी जी मैं आप लोग के पास फिर वापस आऊंगा। सुजाता पाल जी चलिए मैं सुजाता पाल जी से सवाल लेता हूँ। सुजाता पाल जी इस नशेड़ी को कुछ नहीं प्रेम शुक्ला जी देखिए मैं आपको भी रोकूंगा प्लीज देखिए आप दोनों लोग मैं चाहूंगा नहीं देखिए डिबेट की गरिमा है मर्यादा है देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी मैं। उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम।